है, बाकी तो ये है कि प्रैक्टिकल हो तब ज्यादा बताया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल इसका हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसकी मृत्यु हो रही है उसके बाद जब उसका शरीर ही छूट जाता है तो फिर वो आपको आगे बताएगा कैसे कि मृत्यु का अनुभव कैसा होता है। तो इसका प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों हैं उन्होंने अपनी अंतर आत्मा में जान करके इस बात को समझा और जाना कि ये जो आत्मा है इसका बार बार जन्म होता है और इसके कर्मों के अनुरूप ही इसको अगला जन्म मिलता है। हाँ, उसको याद जरूर रहता है। उसके साथ में ये जो स्थूल शरीर होता है ये यहीं पर पड़ा रह जाता है, लेकिन इसके साथ में सूक्ष्म शरीर अवश्य जाता है जिसमें हमारे जन्म जन्मों का लेखा जोखा उसके अंदर निहित होता है। हमारा तो जो संबंध होता है वह शरीर से होता है। आत्मा तो शरीर से जैसे निकल जाती है, थोड़ी बहुत जब तक चेतना होती है तब तक वो हमें और आपको पहचानती है, और जैसे अगला जन्म मिलेगा तो पिछले जन्म वालों को भूल जाते हैं या याद रहता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। यहाँ आप जितनी भी बैठे इनमें से कितनी लोग ऐसे जिनको पिछले जन्म का याद है कोई किसी को? तो ईश्वर ने ये जो व्यवस्था बनाई है ना, एक तरीके से अच्छी भी बनाई है कि हमें पिछले जन्म का सब कुछ याद नहीं रहता। उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये है कि इस जन्म की बातों को याद कर करके हम इतने दुखी होते हैं। अगर जन्मों जन्मों का, उससे अगले जन्म का, उससे भी अगले जन्म का अगर हमको याद रहे तो आदमी दुखी होगा या प्रसन्न? दुखी होगा। एक जन्म में जिनसे साथ हमारे रिश्ते नाते होते हैं उनकी वजह से हम दुखी रहते हैं, अगले जन्मों के फिर माता पिता उनसे वो होगा और उससे अगले जन्म में। तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था है, जन्म और मरण सब दोनों ईश्वर के ही हाथ है। इसमें ना कोई नक्षत्र कार्य करता है ना कोई शुभ मुहूर्त कार्य करता है। जिसका जन्म जिस समय होना होता है उसका जन्म उसी समय होता है, और जिसको इस दुनिया से जाना होता है वो इस दुनिया से उसी समय चला जाता है जब उसका समय आ जाता है। लेकिन एक बात है, समाज के अंदर जो भी दुनिया से जाता है हमारा कोई ना कोई लगता ही है, कभी वो माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, अगर माँ के रूप में है उसके प्रति और उसके कार्यों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। वास्तव में तो ये सच लगता ही नहीं है। क्षण भर को वह व्यक्ति अभी अभी जो मुझसे बात कर रहा था क्या वो चला गया है, और केवल केवल यादें रह जाती हैं। दो लाइनें मैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ।
देखिए कह रहा हूँ, समाज में देखा जाता है बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैं केवल हरे राम हरे कृष्ण गा करके चला जा सकता हूँ, लेकिन हमारे बहुत बड़े समाज के हिस्से में देखा जाता है कि जीवित माता पिता से दंगम दंगा और मरे बाद पहुंचाए दंगा। अरे जब उनके पास शरीर है, उन्हें भूख लगी है, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि उनका पेट भरेगा। मृत्यु के बाद ना उनके पास कोई शरीर होता है तो आप उनको बहुत सारी दूसरी वस्तुएं जो फेंट करते हैं, क्या वो उनके पास तक पहुंचती है? नहीं। ये बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है, और जीवित माता पिता होते हैं तब तक उनको कोई नहीं देखता। और आज के जमाने में तो एक चीज और चल पड़ी है जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है? बुरा मत मानिएगा, कुछ कहते हैं कि बेटों की कमी है, कुछ कहते हैं बेटियों की कमी है। अगर बेटों की कमी है तो जब बेटे का विवाह नहीं होता है, क्या उससे पहले वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचाता है? मैंने तो कोई नहीं देखा। हर माँ को हर बहन को इस बात को समझना चाहिए कि मेरे पति के जो माता पिता होते हैं वो मेरे ही माता पिता हैं। जब इस तरह की हमारी भावना होगी तो कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। 10 केस ऐसे होते हैं, 100 में से 10 केस ऐसे होते हैं कि जो माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, अवस्था में उनकी जो दिमाग में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, या और भी थोड़ा उससे ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन बाकी 90% लोग तो ऐसे हैं कि ठीक ठाक सही सलामत है, लेकिन उसके बाद भी माता पिता को केवल और केवल किस लिए कि मेरे पास समय नहीं है। अच्छा जी, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? इतना आप करोड़ों कमा करके आप छाती पर रख के ले जाओगे, जिससे आपके माता पिता सुखी नहीं हुए उस धन से, तो इस बात की क्या गारंटी उस धन को आप कमा के रख जाओगे आपके बच्चे से सुखी रहेंगे? मैं कहना चाहूंगा उनके जो एहसान होते हैं, दिन रात तेरी माता ने, दिन रात तेरी माता ने, बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तेरी माता ने, बाहों में तुझे झुलाया, खुद कोई स्वर्ग नहीं है दूजा,
कोई
तो आपको पता चलेगा नहीं इतना मैंने किया नहीं है जितना ईश्वर ने मुझे दिया है। कहा इन्हें छोड़ क्यों जाता है, इन्हें छोड़ क्यों जाता है समझ में ना आए, कहां से ये आए कहां लौट जाए, पतित ये प्रभु कहां से आए।